अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे अमेज़ॉन के न्यूली लॉन्च फीचर लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड के बारे में। सेलर सेंट्रल में जाएं, मैनेज इन्वेंट्री में यहाँ का पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड। इस पे क्लिक करें। ये आप देख रहे हैं इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी 1। इसका मतलब है कि इस अकाउंट पे एक लिस्टिंग ऐसी है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्वालिटी का इशू है। क्वालिटी के इशू का मतलब है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी बैकएंड पे जो हमने प्रॉपर फिल नहीं की, और इसलिए अगर हम उसको प्रॉपरली वैल्यूज उसमें पुट कर लें तो कन्वर्जन बेटर हो सकती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 1 का मतलब है एक प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट आपका इमेज शो हो रहा होगा, रिकमेंडेशन के नीचे वो एट्रीब्यूट शो हो रहे होंगे जिन जो एम्प्टी हैं और हमें उन्हें फिल करना है। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। जी, ये देखिए, सबसे पहले जो फील्ड है वो है सिलेक्ट आइटम फॉर्म। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, वो ऑयल फॉर्म में है, लिक्विड में है, बीन्स में है, या पाउडर है, स्टिक है, क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की वो टाइप बतानी है। सेकेंड है कि कैसी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए, स्किन टाइप यहाँ मेंशन करेंगे। थर्ड फील्ड में वो पूछ रहा है कि इसका सेंट क्या आपके प्रोडक्ट का। नीचे अगर आप देखें तो व्यू ऑल 5 मिसिंग एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब कि मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स है जो यहाँ पर अब मिसिंग है। हम इस पर क्लिक करके देखेंगे कि वो कौन से फील्ड हैं। ये देखिए, आइटम वॉल्यूम यूनिट ये मिसिंग है, हमें यहाँ पर आइटम का जो वॉल्यूम यूनिट है वो पुट करना है, उसका वॉल्यूम पुट करना है, और सन प्रोटेक्शन यूनिट की क्या इसमें वो फैक्टर मौजूद है कि ये सन ब्लॉक के तौर पर यूज़ हो सके। ये सब हम फील्ड्स पुट करके करने के बाद सेव एंड क्लोज कर देंगे। एक बार जब आप डाटा अपना अपडेट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही आपकी लिस्टिंग फिक्स हो जाएगी, आप दोबारा लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड पर जाके चेक करेंगे तो लिस्टिंग इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी में अभी जहाँ 1 शो हो रहा था उसकी जगह 0 शो होगा। इसका मतलब होगा कि आप बैकएंड पे ऐसी कोई लिस्टिंग, आपके अकाउंट में कोई लिस्टिंग ऐसी नहीं है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।